नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रेवा शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने 3 माह से मानदेय का भुगतान न होने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए रेवा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत 1 साल में उनको 2 बार ही पारिश्रमिक मिला है, जबकि आशाओं का भुगतान हर महीने होना चाहिए। लगातार 4-5 महीने तक भुगतान न होने के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत 1 वर्ष पूर्व शहरी क्षेत्र में सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्पित सिंह के जाने के बाद से लगातार भुगतान संबंधी समस्याएं आ रही हैं। शहरी क्षेत्र में वर्तमान प्रभारी सहायक कार्यक्रम प्रबंधक शिव शंकर तिवारी एवं प्रभारी नोडल अधिकारी डॉक्टर केवी गौतम द्वारा 5-6 महीने आशाओं का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है। पारिश्रमिक भुगतान के बारे में बात करने पर शिव शंकर तिवारी के द्वारा बड़ी बदतमीजी से बात की जाती है और बोला जाता है कि ऐसे ही भुगतान होगा, करना हो तो करो नहीं तो चले जाओ। साथ ही उनके द्वारा धमकी भी दी जाती है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिव शंकर तिवारी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए विगत 3 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते अब उनके सामने आर्थिक तंगी आ गई है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले भी उनके द्वारा कई जगह भुगतान के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मांगे क्या है आज आपको? मांगे मेरी ये है, 3 महीने हो गए और हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा। सीएमओ सर जो नए आए हैं उनके पास भी हम लोग ज्ञापन देने गए थे और ज्ञापन दिया भी, तो सर ने बोला था कि आईडी बन जाए, 1 हफ्ते के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी मंगलवार को हमने यहाँ कलेक्ट्रेट में भी आए थे और कलेक्टर मैडम नहीं मिली थी, एडिशनल कलेक्टर को हमने ज्ञापन देकर यहाँ से चले गए। और सर ये 3रा महीना पूछ गया, इस बीच में आप सैलरी के लिए कितने अधिकारियों का चक्कर काट कर कितने बार? सर मैंने जिला पंचायत में 2-3 बार चक्कर काटे, 4-5 बार यहाँ कलेक्टर कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया। इसके बाद भी हम लोगों की कार्रवाई वही चल रही है जो जैसे साल भर से चलती आ रही। तीन चार महीने हो जाते हैं तब 1 महीने का भुगतान होता है और हम लोगों से काम तो बराबर लिया जाता है लेकिन भुगतान टाइम से नहीं किया जाता। और किसी भी उसमें हर कर्मचारी का वेतन नहीं रुकता, सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं के लिए ही क्यों ये दिक्कत आ रही है। और ग्रामीण में तो भुगतान बराबर समय से ही किया जा रहा है। जी सर, सिर्फ शहरी का ही, कहीं आईडी की दिक्कत बताते हैं, कहीं पोर्टल बंद है, कहीं बोलेंगे बजट नहीं है, यही समस्या आ रही है। कहीं सर वहाँ अधिकारी लोग बोलते हैं, सीएमओ सर से अभी मुलाकात हुई थी तो यही आईडी के लिए ही बोला गया कि अभी आईडी लॉक है, उसके पहले भी पोर्टल बंद के लिए बोला गया जब बीएल सर रहे हैं। साहिना बेगम, आशा कार्यकर्ता शहरी। सर हम लोगों को 2 महीने से पेमेंट नहीं आई है, 3रा महीना है। आशा कार्यकर्ता हम लोग, जी सर 2 महीने से पेमेंट। अब वहाँ बताएंगे सर, वहाँ सर लोग क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा, अब हम लोग तो आ रहे हैं यहाँ। आपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया है संबंधित? जी सर, वहाँ भी गए थे हम लोग, ज्ञापन दे आए, बोले 5 दिन का मोहलत मांगे हैं, कहीं 7 दिन का मांग रहे हैं, आशा में आशा दे रहे हैं, हम लोग हो गए उसी में रह जाते हैं। सीएमएचओ साहब ने कुछ कहा है? सीएमएचओ सर तो नहीं जानते, लेकिन नए सीमो आए हैं, चेंज हो गए हैं, तो अब पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, कहते हैं आईडी ही नहीं बनी है अभी। अब जब तक मैं आईडी बने जब तक मैं हम लोग का पेमेंट आए सर। नीलावती कुशवाहा।